दिख ही नहीं रही है, समझ लो विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम है। रेनकोट है, छाता लिए और ये लोग लगे हुए अपने काम में। तो ये है भाई यहाँ के घाट सेक्शन का व्यू। बाहर क्यों तो इधर कर क्या रहे हो, ये जनरल डिब्बा दिख रहा है तुमको। हॉल्ट और जो लड़का भी हमने पकड़ा, आपने देखा भाई क्या कर रहा था कि एसी वगैरह। ट्रेन नंबर 12874 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन को झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1330 किलोमीटर कवर करती है 23 घंटे के समय में। और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 57 किलोमीटर पर आवर की। और हॉल्ट्स की बात करें तो 18 स्टॉप्स के साथ ये ट्रेन अपनी जर्नी कवर करती है दिल्ली से रांची के लिए। और आज इस ट्रेन में हम लोग दिल्ली टू रांची ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज वंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो भाई अभी टाइम देख लो, रात का बज रहा है 8:20 और अभी अपनी ट्रेन को डिपार्ट होने में लगभग 25 मिनट का समय है। और अपनी ट्रेन ऑलरेडी आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगी है। आज हम लोग इसके थर्ड AC में ट्रैवल करने वाले हैं, कोच अपना है B4। अपने निर्धारित समय 8:45 पे हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस निकल चुकी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से अपने बिल्कुल निर्धारित समय से। और बाकी इस ट्रेन का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती है, ट्यूसडे वेनेसडे एंड फ्राइडे को। रात में 8:45 पे निकलती है आनंद विहार से और अगले दिन शाम को 7:45 पहुंचा देती है हटिया। रात का बज रहा है 10:30 और पेंट्री से ही हमने डिनर ऑर्डर किया हुआ था तो डिनर अपना आ गया। और ये देखो बिल्कुल राजधानी वाले स्टाइल में पैकिंग है, बिल्कुल राजधानी वाली पैकिंग है। और सर्व किस तरीके से ये ट्रे में किया हुआ, वैसे ट्रे रहती है लेकिन इन्होंने इस प्लेट में दिया हुआ है, ट्रे वगैरह नहीं होगी अवेलेबल, ये नॉर्मल ट्रेन है। बाकी रोटी अभी आप देख रहे हैं तो गर्म है। तो अभी हमने जो है एग करी थाली मंगाई हुई थी, 2 एग की एग करी, दाल चावल अचार और ये रोटी। और ये अपनी वही 90 वाली स्टैंडर्ड एग मील है। अभी अपना डिनर हो गया और अब बात कर लेते हैं खाने की टेस्ट की। तो दाल का टेस्ट तो बढ़िया था बट जो एग करी थी उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा कड़वा रही थी इसी वजह से। बाकी ओवरऑल ठीक था, आपने देखा सर्व करने का इतना तरीका ही डिफरेंट था, कोई ट्रे नहीं थी इनके पास। वैसे नॉर्मली ये जो है ना 160 रुपये की एग थाली बेच रहे थे बट हमने बोला स्टैंडर्ड वाली चाहिए 90 वाली, तो 90 वाली ला के दे दी। तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो आप बोलोगे 80-90 वाली मिल जाएगी इस ट्रेन में भी ईजिली। अभी फिलहाल ये सीन है भाई, हम यहाँ पर इसलिए वीडियो बना रहे हैं, अपने कोच में लगभग सभी पैसेंजर सो गए, लाइट वगैरह बंद हो गई है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को और अब हम भी सोते हैं। मिलते हैं सीधा सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। भाई साहब क्या वेदर है सुबह सुबह, इतना ज्यादा फॉग। तो भाई अभी सुबह का बज रहा है 8:15 और अपनी ट्रेन जो है वो 1:45 लेट हो चुकी है अभी तक। और क्यों लेट हुई है, यहाँ पर चल रहा है एकदम फॉग। खैर सुबह सुबह जो है ना ट्रेन चूनर जंक्शन तो जो है ऑलमोस्ट टाइम पे पहुँची थी और वो मिस हो गया हम लोगों से, वो सुबह निकल गया। और उसके बाद में ट्रेन धीमे धीमे चल रही है और डिले होती चली जा रही है। अभी वाला सीन ऐसा है कि चूनर जंक्शन हमको वैसे कवर करना था लेकिन क्या करें यार, रात में इतनी थके हुए थे कि सो गए हैं और बैक टू बैक जर्नी चली रही हैं, सो गए उसके बाद सुबह उठ ही नहीं पाए,
इसलिए वो स्टेशन छूट गया। कोई नहीं, फिर किसी ट्रेन जर्नी में उसको ज़रूर कवर किया जाएगा। वैसे फ़िलहाल ये सीन है कि दिल्ली से चले थे तब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, मतलब सर्दी नॉर्मल थी और कोहरा तो इतना था ही नहीं, बट इस साइड में चुनर जंक्शन निकलने के बाद जो है पूरा, ये अभी थोड़ा सा घाट सेक्शन चल रहा है, एक छोटा सा घाट सेक्शन पड़ता है यहाँ पे, और वहाँ पर भाई साहब पूरा कोहरा कोहरा है। अभी आपने कुछ शॉट्स देखे होंगे सुबह सुबह के, बहुत तगड़ा भाई, पूरा कोहरा, अभी भी कोहरे में चल रहा है ट्रेन, और इसी वजह से जो है ना ट्रेन अपनी डिले होती जा रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। और एक्सपेक्टेड था ही नहीं यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा फॉग होगा और इतना भाई सर्दी होगी इधर, तो हल्का हल्का पानी भी गिर रहा है, इसमें इतना तगड़ा फॉग है कि पानी भी गिर रहा है। कर्व पे है इतने टाइम ट्रेन और आगे की देखो ट्रेन ही नहीं दिख रही है, ट्रेन ही गायब हो गई, मतलब तीन चार डिब्बे दिख रहे हैं उसके बाद के डिब्बे गायब, जबकि हम लोगों का कोच काफ़ी पीछे को है और ट्रेन दिख ही नहीं रही है, समझ लो विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा कम है अभी यहाँ पर। भाई अभी तो थोड़ा सा सही चल रही थी ट्रेन, लेकिन अभी काफ़ी देर से भी खड़ी रही, उसके बाद धीरे 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 चल रही है, कोहरा इतना ज़्यादा है ना, मतलब अभी जो स्पीड है ट्रेन की बताएं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, मतलब बहुत स्लो है, और ट्रेन अपनी जो है अब यहाँ पर 2 घंटे 10 मिनट लेट हो गई है। कवर करना तो मतलब कर सकती है आगे, क्योंकि टाइम काफ़ी दिया हुआ है इस ट्रेन को, पूरा दिन है अभी तो जर्नी का, भाई ट्रेन तो अभी भी इसी स्पीड से चल रही है। खैर सुबह का टाइम है तो अभी देखो ब्रेकफास्ट ले लिया है, सुबह का 9:15 हो रहा है और ब्रेकफास्ट में लिया है यहाँ पर हमने ब्रेड ऑमलेट, इसमें अपना ऑमलेट है, 2 ब्रेड हैं और साथ में एक टोमेटो केचप। तो भाई यहाँ पर ब्रेकफास्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी हमारा जो कोच है ना उसमें अभी भी पैसेंजर्स मस्त सोए हुए हैं, उसके हमारी तो अपर सीट है, लाइट्स भी बंद है, तो हमने सोचा यार क्यों डिस्टर्ब करें किसी को, छोड़ो, इसलिए बढ़िया यहाँ पर अपना सेटअप लगा लिया। ये वाली एक जो सीट होती है कोच अटेंडेंट वाली गेट के पास, यहीं पर हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट। बाकी सुबह सुबह इस ट्रेन में आपको कटलेट और पोहा का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पोहा देख रहे थे, मन तो पोहा ही खाने का था, हल्का गर्म भी था, लेकिन दिक्कत ये थी वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाता पोहा, बिल्कुल कड़क सा सूख जाता है, तेल में एकदम फ्राई हुआ था वैसा पोहा था, तेल ऑयली बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए नहीं लिया हमने, चलो फिर ब्रेड ऑमलेट ही खा लेते हैं। बाकी चाय वगैरह इस ट्रेन में मिल रही है मस्त पैकेट वाली, अभी आते हैं तो चाय भी लेंगे इसके बाद में, खाली पेट चाय पीनी हमने बंद कर दी सुबह के टाइम, ब्रेकफास्ट वगैरह करके कुछ खा के अगर चाय पी लेते तो भी ठीक है, लेकिन खाली पेट अभी हमने एकदम बंद कर रखी है सुबह की चाय। ठीक है भाई ऑमलेट का टेस्ट सही है, बाकी ये है कि हल्का सा गर्म था जब लिया था, लेकिन अभी वीडियो जब तक बना रहे थे वो हल्का सा गर्म भी ठंडा हो गया, और मेन बात ये है ना कि पोहा तो हम ठंडा भी खा लेते लेकिन वो ऑयली और पूरा ऐसा फ्राइड टाइप का था इसलिए नहीं खा पाए, नहीं तो पोहा खाना तो भाई मज़ा आता है इसी ठंडे मौसम में, पोहा वोहा मिल जाए गर्म मिल जाए तो अलग ही बात है, उसमें मटर वगैरह भी डली हुई थी अच्छी बात ही है, बट क्या करें वो एकदम फ्राई टाइप का कर्रा हो जाता है वैसा हो गया था। इस ट्रेन में आपको अलग अलग तरीके की जो अपनी चाय होती है तीनों फ्लेवर मिल जाएंगे, साथ में सूप कॉफ़ी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ट्रेन में। आठ सौ 19 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 8 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग सोनभद्र रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सोनभद्र को ना एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर प्लांट्स है, साथ ही यहाँ पर मिनरल्स लाइम बॉक्साइड कोल गोल्ड जैसे पाए जाते हैं, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का होल्ड है। अभी आपने स्टेशन देखा अभी पूरा यहाँ पर बारिश वगैरह भी हो रही है, हल्की हल्की अभी भी चल रही है, पूरा स्टेशन वगैरह पूरा रूट यहाँ पर भींगा हुआ है। 5 मिनट के स्टॉप के बाद अब अपनी ट्रेन को मिल गया है सिग्नल यहाँ से निकलने के लिए। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है अभी आप देखोगे इस पर शेल्टर वगैरह कुछ इतना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दूर दूर तक, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है,
कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस साइड में, देखो तो ऐसी कच्ची सी रोड है, इधर ऑटो वगैरह आ जाते हैं प्लेटफॉर्म तक ही, वो जा रहा है देखो इलेक्ट्रिक रिक्शा, तो ऐसे ऑटो वगैरह आ जाते हैं यहीं से, पैसेंजर आराम से प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, यहीं से ऑटो किया और निकल गए। भाई ऐसे में ऐसा मौसम है, सर्दी है कुछ भी है, लेकिन जो रेलवे का स्टाफ है जो कि ट्रैक मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, भाई सैल्यूट है इन लोगों को। रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर टाइम अपनी सर्विस देते हैं रेलवेज को, और ट्रैक्स वगैरह मेंटेनेंस का काम सब कुछ देखते हैं। एक चीज़ है, ये जो रूट है ना अभी हम देख रहे हैं काफ़ी देर से, वैसे चुनर जंक्शन के पास थोड़ा आगे जब वो घाट सेक्शन चल रहा था तो वहाँ पे डबल लाइन थी, लेकिन उसके बाद से घाट सेक्शन जैसे ओवर हुआ, जो टर्न्स वगैरह थे, जैसे कर्व वगैरह एकदम ख़त्म हुए, उसके बाद से ही सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन चल रही है अभी, एकदम सिंगल इलेक्ट्रिक है। भाई ये जो रूट है ना, ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, कवर नहीं कर पाए थे हम, एक दो बार निकले हैं, लेकिन रात के टाइम निकले तो कवर नहीं हो पाया, बट आज फाइनली ये रूट कवर कर रहे हो। क्या रूट है, मतलब बहुत शानदार रूट है, छोटे छोटे घाट सेक्शंस पड़ते हैं। अभी कुछ ही देर में आएगा अपना चोपन जंक्शन, उससे पहले हम आपको नज़ारे दिखा देते हैं भाई, एक नंबर। तो ये है भाई यहाँ के घाट सेक्शन का व्यू, बहुत ही तगड़ा ज़बरदस्त। ये हम लोग पार कर रहे हैं एक ब्रिज को, और आज बारिश भी जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जबकि अभी वेदर नहीं है बारिश का, लेकिन बिल्कुल बरसात वाला यहाँ पर मौसम हुआ पड़ा है एकदम। देख रहे हो लगातार बारिश हो ही रही है, और रूट भी इतना ज़बरदस्त है, ऐसा मानसून वाली वाइब्स आ रही है भाई इधर पे, ऐसा लग रहा है कोई बस मानसून आ ही गया है अब। ये देखो भाई, और हमें लग रहा है ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये है डैम सोनभद्र की। अब जो लोग भी यहाँ से हैं कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन सी डैम है, सोनभद्र डैम है कि कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताना। अभी इसके पीछे बहुत सारे पहाड़ वगैरह हैं, बहुत अच्छा व्यू लिखता अभी, लेकिन दिक्कत ये हो गई ना कि अभी फॉग है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए उस साइड का कुछ दिख नहीं रहा उतना क्लियर। तो भाई ना बारिश बंद हुई ना कम हुई, बल्कि बारिश और तेज़ी हो गई है, और वेदर तो जब चल ही रहा है। अभी आने वाली है सोन रिवर, और सोन रिवर पे ऊपर बना हुआ ब्रिज अभी हम लोग क्रॉस करेंगे, चलो बेहतरीन व्यू आपको दिखाते हैं, और जबरदस्त चल रहा है भाई ये सेक्शन, तो मज़ा आ रहा है।
अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 5 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग चौपन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 28 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 4 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है इसको ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर धनबाद रेलवे डिवीजन, और अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का स्टॉप है। तो चौपन रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे नाश्ता वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्टॉल है यहाँ पर, चाय, नाश्ता, समोसे, पूरी सब्जी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे भी है, मतलब 2 स्टॉल्स तो अभी यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, बाकी अपनी ट्रेन में यहाँ पर वाटर फिलिंग का काम भी हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 20 रुपये के 3 समोसे मिल जाएंगे इस रेलवे स्टेशन पर। स्टॉल वगैरह है यहाँ पर अवेलेबल। चलो अभी हल्का गर्म है, इतना गर्म तो नहीं, हल्का गर्म है, इसको ट्राई किया जाए। समोसा भी यहाँ से जो लिया था वो ट्राई किया है, सही है टेस्ट, वैसे फ्रेश था लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया था, उतना गर्म नहीं था, थोड़ा गर्म होता तो और बेहतर लगता। बट इसके संग चटनी वगैरह भी नहीं है, आपको मिर्ची वगैरह मिल जाएगी, चटनी वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर हरी चटनी और उस तरीके से होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन कोई नहीं, ट्राई कर सकते हो आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, अगर आपको पेंट्री से कुछ नहीं लेना है तो। चलो भाई, चौपन का बोर्ड पड़ा हुआ है नीचे, इतनी बारिश हो गई कि जो नीचे की सीमेंट थी वो ही पूरी गीली हो गई, जाने क्या हुआ कि बोर्ड ही गिर पड़ा। अभी ये जो रूट था डबल लाइन चल रहा था, बट अभी यहाँ पर हो गया है सिंगल लाइन, अभी डबल लाइन का चल रहा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन और लाइन भी यहाँ पर डालने का काम चल रहा है। अभी आपने पीछे देखा थोड़ी सी लाइन थी, लेकिन यहाँ पर अभी बिल्कुल भी रेलवे लाइन है ही नहीं है। और यहाँ पर ये देखो ब्रिज है छोटा सा, उसके ऊपर भी लाइन का काम चल रहा है। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंची है रेणुकूट रेलवे स्टेशन, वैसे यहां पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप है और लगभग 1 घंटे 18 मिनट की देरी से पहुंची है ट्रेन यहां पे। और हम देख रहे हैं बहुत सारे पैसेंजर्स ने यहां पर डीबोर्ड किया है अपनी ट्रेन में से, काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स, आगे साइड जितनी भीड़ देख रहे हो सब अपनी ट्रेन से उतरे हुए पैसेंजर्स हैं। सोचा आपको ये भी रेलवे स्टेशन कवर कर दिया जाए, दिखा दिया जाए कैसा है क्या नहीं। यहाँ पर वैसे आपको स्टॉल वगैरह ये मिल जाएगा, एक ये अमूल का स्टॉल है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वैसे ये रेलवे स्टेशन भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो अभी अपनी ट्रेन का जो ये रूट चल रहा है ना, पूरा पहाड़ी इलाका है, काफ़ी ज़्यादा कर्व आ रहे हैं ट्रेन जर्नी में, तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई कर्व वगैरह देखने में भी, और पूरे पहाड़ वगैरह हैं। और एक और चीज़ हमने नोटिस करी, यहाँ पर काफ़ी सारे पावर प्लांट्स वगैरह भी हैं, यहाँ पर कोयले से एनर्जी बनाई जाती है वो सारे भी हैं, और साथ ही यहाँ पर जितनी भी मालगाड़ियाँ हैं सब में सिर्फ कोयला ही कोयला आपको मिलेगा इस रूट पर, क्योंकि ये जो रूट है ना, अभी हमने आपको बताया था सोनभद्र में वहाँ भी कोल वगैरह की माइनिंग होती है, और इधर अभी झारखंड में हम लोग एंटर करेंगे कुछ ही देर में, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कोयला होता है, कोयले की माइनिंग होती है, तो वहाँ भी हम लोगों को कोयले से भरी मालगाड़ियाँ दिखने वाली हैं, और जो रूट है ना पूरा वो कोयले की खदान के पास से होकर ही गुजरने वाला है हम लोगों का आज का।
977 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग गढ़वा रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी गढ़वा में जो है ना 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, एक ये है, एक ये यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गढ़वा रोड जंक्शन, वहाँ भी अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, वहाँ भी मात्र 2 मिनट का हॉल्ट अभी यहाँ से निकलेगी। तो चलो वो रेलवे स्टेशन भी हम आपको दिखा देंगे। बाकी ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, ये देखो भाई साहब किस से लोग जो है पटरी वगैरह यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। मालगाड़ी खड़ी है उसके बीच में से नीचे से निकल के, क्योंकि लेडीज़ वगैरह भी हैं, इस तरीके से यार लोग करते हैं। देख रहो बच्चा था औरत है, और ये लोग पता नहीं यार क्या करते हैं किस तरीके से। फुटओवर ब्रिज की व्यवस्था होने के बाद भी इस तरीके के काम। इस रेलवे स्टेशन पे आपको कुछ खासा फैसिलिटी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, ना ही स्टॉल्स है ना कुछ। देख रहे हो पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। इस ट्रेन में आपको इस तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, मतलब थर्ड एसी में। ये एकदम अनऑथराइज्ड है भाई, कौन है क्या है कोई नहीं पता, बस आके झाड़ू मार रहा है, अपनी बॉटल्स वगैरह बीन रहा है। और जो ट्रेन का OBHS स्टाफ है उसको कोई होश ही नहीं है साफ़ सफाई का। और ये जो बंदा है ये यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहा है और ट्रैक्स पर कूड़ा फेंक रहा है। क्यों तुम OBHS स्टाफ से हो क्या? हो तो इधर कर क्या रहे हो भाई तुम? हम तो बाहर हैं। बाहर क्यों तो इधर कर क्या रहे हो? ये जनरल डिब्बा दिख रहा है तुमको, फिर एसी तो फिर इधर कर क्या रहे हो तुम? बाहर रहा हूं। क्या कर रहे हो? किससे पूछ के आए हो इसमें? कोई से नहीं। बैठो इधर साइड में चलो। हेलो भैया, रेल मदद में बात कर रहे हैं, जरा इनकी भी बताइए कहानी। ये घूम रहे हैं, ये अभी कोई का कोई सामान बैग वैग लेके चले जाएंगे, ये यहाँ के थोड़ी ना है। आराम से कर रहे हैं, पूरा कूड़ा ये पटरी पे डाल रहे हैं। आप ये सफाई के लिए कंप्लेन कर रहे हैं ना? सफाई के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। तो अभी OBHS स्टाफ आएगा, उनका काम ये कर रहे हैं। अच्छा, क्या ना ये दूसरा लड़का पकड़ा है सामान लेके अभी चला जाएगा। ये कभी पैसेंजर हैं तो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं OBHS स्टाफ, क्योंकि ट्रेन में साफ सफाई इतनी गंदी है कि वॉशरूम यूज करने लायक नहीं है। वॉशरूम के अंदर 2 मिनट नहीं रुका जा सकता, ऐसी कंडीशन है वॉशरूम की। तो अभी एक पैसेंजर है, ये कंप्लेन कर रहे हैं, तो इनसे ही बोला हमने कि लगे हाथ, इन भाई साहब की जानकारी भी दी जाए। जनरल में जाओ और ये लो 10 रुपये लो, ठीक है, सही काम करो, ठीक है ना। अभी चोरी हो जाएगा इसमें, नाम तुम्हारा आएगा। उसके बाद मेन बात ये है भाई, देखो तुम साफ सफाई कर रहे हो बढ़िया है, तुम पैसेंजर से पैसा मांग रहे हो। दूसरी बात, जिसकी ड्यूटी है वो मस्त सोया हुआ है एसी में कहीं जाके, ठीक है, एक सुबह से एक झाड़ू तक नहीं मारा, बाथरूम इतना बदबू आ रही है बाथरूम में, ठीक है, इसलिए तुमको रोका है, चीज़ का ध्यान देना आगे। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गढ़वा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड के पालामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे यहां पर भी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और जो लड़का भी हमने पकड़ा, आपने देखा भाई क्या कर रहा था, कि एसी वगैरह एक कोच पे पूरा झाड़ू वाड़ू मार रहा था और सब लगेज वगैरह रखा था, कुछ चोरी हो जाए तो कौन देखेगा, कोई नहीं। ऊपर से इस ट्रेन में सुबह से वॉशरूम इतना गंदा है ना कि यूजुअल कंडीशन में नहीं है, 2 मिनट वॉशरूम में खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। उसके बाद ये लड़का झाड़ू मार रहा है, एक बार भी जो OBHS स्टाफ है कहीं भी झाड़ू नहीं मारी, सुबह से कहीं भी साफ सफाई करते हुए नहीं देखे, एक भी बार कोच में झाड़ू नहीं मारी, पूरा गंदा पड़ा हुआ था। और ये लड़का कर रहा है, इसको हम समझाया फिर आखिरी में 10 रुपये भी दिए हम नहीं जा भाई, ठीक है ना, ताकि इसमें साफ सफाई हो। बाकी अभी हमने कंप्लेन एक रेस कर दी है OBHS स्टाफ के लिए, इतना गंदगी है ना यार, मतलब वॉशरूम वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। चलो सिग्नल हो गया है, मतलब आजकल स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी सब बर्बाद हो गया है। मतलब कई ट्रेन्स में ऐसा है कि मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है, जबकि स्टाफ है, इन लोगों को दिया हुआ है, ड्यूटी दी हुई है कि भाई सुबह शाम तो एटलीस्ट साफ करना ही है, कोच साफ करना है, वॉशरूम साफ करना है, बट मेंटेन करने को कोई है ही नहीं। सुबह से ना कोच साफ हुआ ना वॉशरूम साफ हुआ, इसलिए अभी कंप्लेंट तो हमने एक रेज कर ही दी है वही रेल मदद के पोर्टल पे जाके, आप लोग भी ऐसे कंप्लेंट रेज कर सकते हो। और एक और पैसेंजर थे वो भी कंप्लेंट कर ही रहे थे इसी चीज़ के लिए। अब ये झाड़ू वाड़ू मार जाए फिर वो लोग तो और नहीं आएंगे, ना कोच में साफ सफाई करनी है उनको, ना कहीं आराम से जाने, कहीं जाके सोए हुए हैं।
तो ये चीज़ है भाई, इसलिए कंप्लेन करना भी जरूरी थी, इस लड़के को भी पकड़ना जरूरी था। वैसे गढ़वा रोड जंक्शन, ये जो रेलवे स्टेशन है, इस पर काफ़ी सारी ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है, जबकि जो पहला रेलवे स्टेशन पड़ा था गढ़वा रेलवे स्टेशन, वहाँ पर ज़्यादा ट्रेन्स नहीं रुकती हैं। भाई साहब अभी दोपहर का बज रहा है 1:40, और लंच हमने ऑर्डर किया हुआ था ट्रेन की पेंट्री से ही। भाई साहब खाना तो सारा दे गए लेकिन रोटी ही देना भूल गए, रोटी ही नहीं रख के गए इसमें। अब हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा कि दोबारा आएंगे तब उनको बोलेंगे कि भाई रोटी तो देना ही भूल गए, रोटी लाए नहीं इसमें। तो ये वेंडर आ गए थे, दो पराठे दे गए हैं, दो पराठे थे थाली में अपनी, तो वेज थाली ऑर्डर की हुई थी, वही अपनी 80 वाली स्टैंडर्ड थाली, दाल चावल, एक ये आलू की सब्जी है, साथ में अचार और ये दो पराठे। और एक चीज़ अभी हमने, ये रबड़ी मिल रही थी इस ट्रेन में, MRP है 35 रुपये, तो ऑन MRP आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में, और मिश्री दही का भी ऑप्शन है तो वो भी ले सकते हो। तो अभी जब कंप्लेन की है तब जाकर स्टाफ को होश आया है भाई साफ़ सफाई करने का, अब जाके साफ़ सफाई हो रही है वॉशरूम में, देखो स्टाफ लगा हुआ है अभी। एक घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है, और अभी खाना खा रहे थे तो खाने का टेस्ट हम बता ही नहीं पाए, क्योंकि भाई जो कंप्लेन की हुई थी उसके लिए आ गए थे, यहाँ का जो VHS स्टाफ वगैरह है उनके सुपरवाइजर वगैरह आ गए थे, तो खाने का टेस्ट ओवरऑल बढ़िया था। सोयाबीन आलू की सब्जी थी, सोयाबीन पता ही लगी उसी में थी मसाले में, तो सोयाबीन आलू की सब्जी थी, और दाल थी जो दाल का टेस्ट सबसे बढ़िया था, मतलब मस्त तड़का मारा हुआ था दाल में, अलग ही लहसुन वगैरह का स्वाद आ रहा था, तो वो दाल बढ़िया थी। और बाकी साफ़ सफाई का भी ऐसा सीन है कि आए थे कॉल वॉल पर बात कराई अपने जो इनका कंट्रोल रूम है उधर से, बोला कि हाँ ठीक है करवाते हैं ऐसा वैसा, तो इस चीज़ की हमने भाई साहब साफ़ सफाई तो इतनी तो रखो कम से कम, एटलीस्ट यूज़ तो कर सकें, वॉशरूम इतना गंदा है कि 2 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे, यूज़ करना तो दूर की बात। वैसे हाँ ठीक है हम करते हैं ऐसा वैसा, हमने ठीक है कराओ अपनी तरीके से भाई काम कर लो यार, हमने बाहर का आदमी आके और पैसे मांग रहा हो सफाई कर रहा, कोई चीज़ चोरी हो जाएगी तो कौन ध्यान देगा, मेन बात तो यही है कि कोई चोरी वोरी हो जाए, कोई सामान लेके चला जाए तो क्या करेगा आदमी, है फिर कोई जिम्मेदारी तो लेगा नहीं, RPO वगैरह सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं इस ट्रेन में, और जो कोच अटेंडेंट वगैरह है वो भी ऐसे ही भाई इधर है उधर है, OBHS भी इधर है उधर है, तो बस कोई भी आ रहा है जा रहा है कोई मतलब ही नहीं है। अभी अपनी ट्रेन यहाँ पर 54 गोमो पैसेंजर को ओवरटेक मार रही है, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था वहाँ पर थी पैसेंजर ट्रेन, और लगा हुआ था अपना WAG-9 मालगाड़ी वाला लोकोमोटिव।
अभी हम लोगों की ट्रेन रुकी हुई है एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे। यहाँ हॉल्ट तो नहीं है और सामने देख रहे हैं ग्राउंड में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं साइकिल वाइकिल चला रहे हैं। मतलब इधर साइड गांव वगैरह में आपको ये सारी चीज़ें अब देखने को मिलेगी। आजकल शहरों में कहाँ बच्चे ये सब करते हैं, सब गाड़ी वाड़ी से घूमने लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें देख के जो है वही है, बचपन की यादें जो है ताज़ा हो जाती हैं कि एक टाइम था हम लोगों का टाइम भी जब पूरा साइकिल वगैरह से इसी तरीके से मौज काटते थे। ग्राउंड है, कुछ है, कहीं भी सिर्फ साइकिल से घूमते थे, वही मज़े लेते हुए यहाँ बच्चे मिलेंगे आपको। देखो भाई साहब, प्लेटफॉर्म सब बराबर कर दिया है, सब पे साइकिलें चल रही हैं। तो शाम का बज रहा है 5 और शाम के टाइम आपको स्नैक्स में इस ट्रेन में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के लिए, जैसे मैगी हो गई, पनीर पकौड़ा हो गया, और साथ में ही एक ये मिलेगा आपको ऑप्शन प्याज वड़ा वाला। ठीक है, एकदम प्याज वाला पकौड़ा है ये, और गर्मा गर्म हमको मिल गया है 10 रुपये पीस के हिसाब से, तो ये लेके आप ट्राई कर सकते हो। चलो टेस्ट किया जाए इसको। प्याज की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से, एकदम क्रंची और गर्म गर्म है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो इस ट्रेन में। बाकी अभी बस चाय आ जाए अपनी पैकेट वाली, दोस्तों ने चाय और पीते और शाम तो हो ही रही है, तो अल्टीमेट मज़ा हुआ। अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 15 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग पतरातू रेलवे स्टेशन। वैसे बात करें का पतरातू की, तो भाई ये फेमस है अपने पतरातू वैली के लिए। वैसे आप रांची से पतरातू वैली के लिए बढ़िया एक जो है ड्राइव करके आ सकते हो गाड़ी, और बहुत ज़्यादा सिनेमिक, बहुत ज़्यादा सिनेमेटिक रूट है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई ड्राइव करने में इस रूट पे। साथ में पतरातू जाना जाता है अपने डैम के लिए और अपने थर्मल प्लांट के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का होल्ड है, ट्रेन लेट हुई है तो लेट होती ही चली जा रही है, कुछ कवर नहीं किया। खैर अभी चाय वाले भैया आ गए, गेट पे खड़े हुए हैं, उनको बोला है रुक जाओ एक मिनट हम थोड़ा वीडियो शूट कर लें, चाय का काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। चाय आ गई, चाय पीते हैं। वैसे भी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई है। और बाकी एक चीज़ देख रहे हैं पतरातू रेलवे स्टेशन पे भाई, प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी छोटा है, कम से कम नहीं तो पीछे के 3 या 4 कोचेज जो है प्लेटफॉर्म के बाहर निकल गए, प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। देख लो ट्रेन इतनी है, बाकी के पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ जाने, कहाँ पटरी पर उतर के आ रहे हैं लोग, तो ये थोड़ी सी एक समस्या है पतरातू रेलवे स्टेशन पर। अगर आपको कुछ ज़्यादा पीछे है तो थोड़ा पहले से आगे के वाले कोच में आ जाओ अंदर ही अंदर, ताकि उतरने में प्रॉब्लम ना हो। तो पतरातू रेलवे स्टेशन हम लोग निकल रहे हैं, और साथ में ये लो अपनी गर्मा गर्म चाय भी तैयार है। वैसे जिंजर वाली नहीं मिली अभी, तो अभी ले लिए इलायची वाली, हम बता रहे थे। और यहाँ पर देखो कोयला वगैरह इतना है, और ये सारा यहाँ से मालगाड़ी में लोड किया जाता है, इसी वजह से यहाँ स्टोर कर रखा है पूरा पटरी के किनारे। ये देखो कितना ज़्यादा कोयला यहाँ मिलेगा देखने को। और ये देखो मालगाड़ी जो जा रही है अभी, इसको लोड किया गया है यहाँ से कोयले में, बस लोड करके अभी यहाँ से निकली है। वही हम बता रहे थे इस साइड कोयला वगैरह बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, जगह जगह मालगाड़ियाँ जो है सिर्फ कोयले वाली ही मिलेंगी देखने को इस पूरे रूट पे। भाई साहब यहाँ तो पूरा रेलवे स्टेशन पे सिर्फ कोयला है, जेसीबी वगैरह भी लगी हुई है, ट्रक लगे हुए हैं, यहाँ से सभी चीज़ें लोड की जाती हैं, पूरा कोयला ही कोयला, अल्टीमेट लोकेशन।
1206 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 28 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग बरकाखाना जंक्शन, जो कि झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो बरकाखाना है ना, ये पूरा कोल माइन से सराउंडेड है। और बात करें अपनी ट्रेन का, यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। और अपनी ट्रेन के आगे ना एक ट्रेन चल रही थी सुबह से, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, जो कि जबलपुर से हावड़ा के बीच चलती है, और उसको हम दिन भर से ट्रैक कर रहे हैं। वो आगे भागे जा रही, उसको ओवरटेक मार ही नहीं पाई अपनी ट्रेन, जबकि वो एक्सप्रेस ट्रेन है, अपनी ट्रेन सुपर फास्ट है, लेकिन फिर भी ओवरटेक नहीं मार पाई। इस वजह से अपनी ट्रेन भाई डिले ही होती चली गई। अभी वो खड़ी हुई है यहीं पर बरकाखाना पे, उसका है लोको रिवर्सल, यहाँ पर उसका होता है लोको रिवर्सल। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है बरकाखाना जंक्शन से, और बाकी ये खड़ी हुई है शक्तिपुंज एक्सप्रेस, इसका हो रहा है यहाँ पर लोको रिवर्सल, और इसी को हम लोग दिन भर से ओवरटेक नहीं मार पाए, जबकि मार देना चाहिए था इसको ओवरटेक, लेकिन अपनी ट्रेन नहीं मार पाई। और सामने ये जो ट्रेन का रेक आप देख रहे हो, ये खड़ा हुआ है पटना बरकाखाना एक्सप्रेस का, और ये शायद रात के टाइम निकलती है बरकाखाना से पटना के लिए। तो अभी आ चुके हैं इस ट्रेन के थर्ड एसी के वॉशरूम में, और भाई साहब ज़्यादा बोल ही नहीं सकते, इतनी स्मेल आ रही ना, बस ये समझ लो वीडियो बना रहे हैं। हैंड वॉश ये समझ लो, ये देखो ना पानी, बिल्कुल पानी भर रखा है हैंड वॉश के नाम पे। ये है हैंड वॉश, नल वगैरह चालू है, पानी आ रहा है पूरी जर्नी में, बस ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। घटिया मेंटेनेंस है भाई साहब वॉशरूम की, एकदम घटिया। ये देखो विंडो विंडो खुली है आराम से, अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 30 मिनट की देरी से आ चुके हैं फाइनली आज की हम लोग अपनी डेस्टिनेशन रांची जंक्शन। वैसे अपनी ट्रेन हटिया रेलवे स्टेशन तक जाएगी, जो कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है ना, रांची का ही एक और रेलवे स्टेशन है हटिया रेलवे स्टेशन। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो टाइमिंग के मामले में पंचुअल नहीं रही ट्रेन, ठीक है 7:05 का टाइम था यहाँ पर, लेकिन ट्रेन जो है लेट हो गई रांची जंक्शन आने में, 1.5 घंटा लेट हो गई। बाकी रास्ते और कुछ कवर किया ही नहीं ट्रेन ने, तो पंचुअलिटी के मामले में ठीक नहीं है, साफ सफाई के मामले में भी ठीक नहीं है, सिक्योरिटी के मामले में भी ठीक नहीं है। बस खाना पीना ये है, अगर आप बोलोगे कि 80-90 वाला चाहिए तो वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की तो सुविधा सही है। इस ट्रेन में पेंट्री होना भी जरूरी है, क्योंकि रूट में आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी। इससे पहले इस रूट से हम लोगों ने ट्रैवल किया था शक्तिपुंज एक्सप्रेस से, तो वहाँ प्रॉब्लम हुई थी खाने पीने की, तो अच्छा हुआ इसमें पेंट्री थी तो प्रॉब्लम नहीं हुई है। बाकी आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट्स जरूर बताना, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यहाँ पर यूज़र आईडी है, मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।